विगत 21 जनवरी को जिला चिकित्सालय में आयोजित किए गए शिविर में चयनित बच्चों को आज इलाज के लिए आदेश दिए गए। इसी तारतम्य में 17 बच्चों को विधायक पन्नालाल शाके एवं जिला कलेक्टर राजेश जैन ने जनसुनवाई सभागृह में आदेश पत्र वितरित किए। इसमें कुछ बच्चे जिनका हृदय का ऑपरेशन होना है, वहीं कुछ का आंख एवं कान का ऑपरेशन भी होना है। इसी क्रम में यहां विधिवत तौर पर आदेश दिए गए, जिससे इन बच्चों के जल्द से जल्द ऑपरेशन हो सके। वहीं इसी कड़ी में आज विधायक पन्नालाल शाह के सीएमएचओ रामवीर सिंह रघुवंशी पर खास नाराज भी नजर आए। विधायक की शिकायत थी कि मरीजों को खुद यहां आदेश लेने आना चाहिए था, उनके अटेंडरों को नहीं। इसी बात पर उन्होंने सीएमएचओ रामवीर सिंह रघुवंशी को समझाइश देते हुए कहा कि आगे से इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए। और जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं, उनके वो लेके आधार कार्ड वगैरह वैसे वैसे केस बनते जा रहे हैं। अभी बाई द वे कल हमने 16 केसेज हमने तैयार किए थे, तो मैंने विधायक साहब से निवेदन किया हमने और समय दिया। इधर आना, आगे आके बिल्कुल जी, छोटे बच्चों की खान बहते रहते आए थे। 1,50,000 कीर्ति अमरलाल कहाँ साहिबा चित्र ऋतु दिनेश यादव ललित दीपांशु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत हम लोगों ने कैंप का आयोजन किया था, जिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था 21 तारीख को। तो उसमें जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे मेडिकल कॉलेज में, उनके एस्टीमेट बनाए थे, उन बच्चों का सेंसन करके आज हम लोग उनको कलेक्टर साहब से आदेश दिलवा रहे हैं यहाँ पर। इसमें हमने 17 बच्चों को बुलाया है, जिसमें 4 बच्चे हृदय रोग से ग्रस्त हैं और 13 बच्चे जिनके कान के ऑपरेशन होते हैं, कान बहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके आँख के ऑपरेशन होते हैं। तो इन बच्चों को आज कलेक्टर महोदय और विधायक महोदय के द्वारा आदेश दिए जाएंगे और इन बच्चों के जल्दी ऑपरेशन हो सकेंगे। इसमें इन लोगों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, सारा शुल्क राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाएगा।